तो उन्हें शक कैसे हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है? क्या कह सकता हूँ। मैं कह सकती हूँ, मुझे पता है कौन है वो। कौन? तुम्हारी बीवी और कौन, वही भर रही है तुम्हारे बाबा के कान। और एक बात तुम्हें बताऊं, जब हम सब सो जाते हैं ना, तब वो जाके तुम्हारे बाबा को पूरे दिन की रिपोर्ट पेश करती है। इस तरह पता चला है उन्हें, इस तरह जो शक हुआ है। और तुम्हें भी इतना सच्चा और खरा इंसान बनने की क्या जरूरत थी? हाँ फराज, अब देखो पता नहीं क्या बढ़ा चढ़ा के बताया होगा उन्हें। मम्मा, मुझे लगता है अगर बाबा को सब कुछ पता होता तो मुझसे साफ साफ कह देते, साफ बात करते मुझसे। ये उस चालाक औरत ने पूरी बात नहीं बताई होगी ना, आखिर हमारी भी तो गुड बुक्स में रहना है उसने। लेकिन बताया जरूर है, जिस तरह तुम्हारे बाबा सुबह से एक एक से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि उन्हें पता है बात का। मिडिल क्लास, कल मेरे साथ उस अमरीकी चुड़ैल के घर चलो और उसके सामने खड़े होकर उससे कहना कि तुम फराज की बीवी हो। बताओ कर पाओगी ऐसा? है हिम्मत तुम में? इसका कोई फायदा नहीं है। पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उसने शादी कर लेगा सनी, तलाक दे देगा तुम्हें, तुम्हारा बाप तो तुम्हें दोबारा अपने घर में घुसने नहीं देगा, फिर कहाँ जाओगी? जो भी हो, मुझे कुछ नहीं करना। हम फराज अनीता से मोहब्बत करते हैं, उसके पास अमेरिका जाना चाहते हैं, ठीक है चले जाएं, कर लें शादी। वैसे भी हमारी शादी शादी नहीं, एक हादसा थी। और मुझे लगता है कि फराज ने मेरी बातें अनीता को सुनाई। इसमें मैंने कन्फेस किया कि हमारी शादी जबरदस्ती करा दी गई थी, और फराज ने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि वो अनीता से मोहब्बत। फराज आप? हेलो, मैं जो करना है जितनी साजिशें करनी है तुम करो, जिसको बताना है बता दो, सब बता, लेकिन अनीता से शादी तो मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। तुम्हारी इस मासूम शक्ल पर ना मैं तरस खाऊंगा ना धोखा। शायद सब ठीक कहते तुम्हारे बारे में, अपनी इस मासूम सूरत के पीछे तुम बहुत। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? मेरी हर कोशिश के बावजूद राज मुझसे बदसन और बदगुमान होते जा रहे हैं। क्या करूँ अल्लाह, मैं क्या करूँ?